अजय देवगन अब दृश्यम 2 के बाद एक और सुपरहिट फिल्म लेकर आने वाले हैं, जिसका नाम है भोला, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। और अजय देवगन ने फिल्म में अपना फर्स्ट लुक भी फैंस के साथ शेयर किया है, जिसमें उनका एकदम खतरनाक लुक देखने को मिल रहा है। बीते दिनों अजय देवगन ने फिल्म का अनाउंसमेंट टीजर शेयर करते हुए फिल्म के रिलीज डेट और अपना लुक शेयर किया था, जिसको देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें, ये फिल्म भी दृश्यम की तरह ही रीमेक होने वाली है, जो कि साल 2019 में आई साउथ की सुपरहिट फिल्म कैथी का ऑफिशियल हिंदी रीमेक होने वाली है। और फिल्म की एक और खास बात आपको बता दें, फिल्म भोला को अजय देवगन खुद डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म को अजय देवगन फिल्म्स के बैनर तले ही बनाया जा रहा है। फिल्म में अजय देवगन के साथ तब्बू फीमेल लीड में नजर आने वाली है और उनके अलावा संजय मिश्रा, किरण कुमार, दीपक डोबरियाल भी फिल्म में नजर आने वाले हैं। बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो फिल्म में अजय देवगन एक कैदी के रोल में ही नजर आएंगे, जो कि 10 साल जेल में काटने के बाद अपनी छोटी बेटी से मिलने जाते हैं। वहीं उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना किसी कसूर के, और फिर भी वो सभी दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी बेटी से मिलते हैं। बात करें फिल्म की रिलीज की, तो अगले साल 30 मार्च को फिल्म रिलीज होगी। तो दोस्तों, आप सभी भोला फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।